वैष्णवांना पण यथाशक्ती आपण त्यांना पण मान दिला पाहिजे, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालला नाही. पण म्हणतात माझ्यामध्ये भरपूर अवगुण आहेत, तर स्वतःचे अवगुण मी कसे ओळखू, आणि माझे स्वतःचे अवगुण ओळखल्यानंतर मग मला कळेल की यांच्यामध्ये हे अवगुण नाहीत, मग यांना मानसन्मान दिला पाहिजे, तर हे कसं कळू मी. तो आपको इसलिए जवाब हिंदी में देते हैं, बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कि सबसे पहली बात है, आप ये सवाल पूछ रहे हैं, जो ये सवाल पूछ रहा है कि मेरे में कुछ गलतियां हैं, मेरे में कुछ कमियां हैं, वो कैसे मैं पहचानूं, ये सवाल ही कितना बड़ा सवाल है. जो नहीं पहचाना है कि मेरे में कमियां हैं, वो ये सवाल ही नहीं पूछता है. जो पहचानता है कि मेरे में कमियां हैं, सिर्फ मुझे नंबर बताइए 1 2 3 4 कितनी है, वो पूछ रहा है ये सवाल. तो सबसे पहली जो अड़चन है वो आपने पार कर दी है. आप पहले ये स्वीकार कर रहे हैं, कहाँ स्वीकार कर रहे हैं, अकेले में नहीं स्वीकार कर रहे हैं आप. मेरे फ्लैट पे आके अकेले में धीमी आवाज में नहीं बोल रहे, प्रभु जी मेरे में कुछ कमियां हैं, बताएंगे क्या. इस भरी सभा में 100 लोगों के बीच में हाथ ऊपर करके पूछ रहे हैं, प्रभु जी मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, कैसे मैं पहचानूं मेरी कमियों को, इसको ही तो नम्रता बोलते हैं प्रभु. सबके सामने ये स्वीकार करना कि मेरे में कमियां हैं और मुझे कुछ बताइए, मार्गदर्शन कीजिए, ये सबसे पहला पहाड़ आपने पार कर दिया. क्योंकि लोगों की जिंदगी निकल जाती है ये स्वीकार करते करते कि मेरी में कमियां हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है. कोई बोलता है प्रभु जी थोड़ा सीखेंगे, क्यों आप कभी आए मंदिर में, 3 साल हो गए, मैं 30 साल से मंदिर में हूं, आप मुझे सिखाएंगे. गणना सालों में हो रही है, अनर्थों कितने हैं वो उसमें नहीं हो रही है. तो पूरी जिंदगी हमारी निकल सकती है ये इस झांसे में, इस गलत फहमी में कि मैं तो बहुत पुराना भक्त हूं, मेरे में कौन सी कमी है. तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहली अड़चन, सबसे पहला पर्वत आपने तो ऐसे ही एकदम हंसते हंसते पार कर दिया. प्रभु जी इन सारे वैष्णवों के समक्ष मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे में बहुत सारी कमियाँ हैं, उनको मैं कैसे पहचानूँ. तो आपकी बधाई हो, आप पूछ रहे हैं सबके सामने. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको सही में ये सीरियसली जानना है कि क्या है, तो जो अनजाना व्यक्ति है वो हमें कभी नहीं बता सकता है कि हम में क्या कमियाँ हैं. उसके लिए उस व्यक्ति से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा. जब हम रिश्ता जोड़ते हैं, किसी व्यक्ति के पास में जाते हैं, जब नज़दीक से देखते हैं कि इस व्यक्ति इस परिस्थिति में कैसे बर्ताव किए, ये व्यक्ति इस परिस्थिति में कैसे बर्ताव किए, तब समझ में आता है कि इसमें क्या कमियां हैं. क्योंकि हम सब वैष्णव हैं ना, ओवरऑल हम अच्छे ही हैं. अगर हम मंदिर में आके यहाँ पे बैठे हैं, 2 घंटे से बैठे हैं और ये बकवास सुन रहे हैं, हम अच्छे व्यक्ति हैं. ये बकवास कौन सुनेगा. हजारों लोग बारामती में घूम रहे हैं शनिवार शाम को, बोलते कौन सा मंदिर, कौन सी भागवत, क्या सुनना है हमको. आप यहाँ आके बैठे हैं मतलब आपकी कोई अपेक्षा है कि ये जो बैठा है कुछ तो अच्छा बोलेगा, चलो सुन लेते हैं बकवास, है कि नहीं. तो ओवरऑल इस टेम्पल हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं सब अच्छे व्यक्ति हैं. छोटी कभी कभी जाने अनजाने में छोटी सी गलतियाँ हो जाती हैं. कोई भी वैष्णव जान बूझ के सोच समझ के कभी गलती नहीं करता है, है कि नहीं. पूर्व इतिहास होता है हमारा, भक्त बनने से पहले कुछ संस्कार होते हैं, भक्त बनने से पहले कुछ सुना है, कुछ देखा है, तो कभी कभी फिसल जाते हैं, समझे. रास्ते पे चलते चलते केले का छिलका होता है तो फिसल जाता है ना, तो फिसलने को गलती नहीं कहते, फिसलने को फिसलना कहते हैं. कोई जानबूझ के फिसलता है, वो अनजाने में फिसलते हैं. तो जितने भी वैष्णव बैठे हैं, जितनी भी गलतियाँ होती हैं वैष्णवों से, वो हमेशा याद रखिए केले का छिलका देखा नहीं इसलिए फिसल गए, इसलिए गलती होती है. जाने में जानबूझ के कभी कोई वैष्णव गलती नहीं करता है, है कि नहीं. तो जो जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियाँ हो रही है, आप जब करते हैं रोज भगवान का भोग अर्पण करके खाते हैं, आप कितने सारे मनुष्य समाज 99% मनुष्य समाज के आगे चले गए. आप रोज हरि नाम ले रहे हैं, आप रोज महाप्रसाद खा रहे हैं, है कि नहीं. छोटी मोटी कुछ छोटी सी बाकी होंगी आपकी, वो पहचानने के लिए, वो जानने के लिए आपको किसी के करीब जाना पड़ेगा. जब हम खुद से किसी के करीब जाते हैं तो वो हमको निरख के देखते हैं, फिर वो हम हर परिस्थिति में देखते हैं इनसे उस ओवरऑल अच्छे ही थे, सही निर्णय लिया, लेकिन छोटी सी गलती कर दी इन्होंने, तब जाके हमको वो बता पाएंगे. जब तक हम किसी व्यक्ति के करीब नहीं जाएंगे और केवल हम उनको बोलेंगे प्रभु जी मेरे में कुछ कमियां बताएं, तो सही में वो नहीं बता सकते.
डॉक्टर के पास जाए बिना अगर हम बोले डॉक्टर साहब मैं घर पे बैठा हूँ, मैं थोड़ा बीमारी महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा बताएंगे कौन सी दवाई है? पूछिए आइए मिलिए, थोड़ा जांचूं आपको, थोड़ा स्टेथोस्कोप लेके यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, पल्स देखूं, तापमान देखूं, तब जाके बताऊंगा कि क्या। तो अगर हम भक्तों के पास में ही नहीं जाएंगे तो हम करीब जाए बिना हमको खुद को उनके सामने रख नहीं रहे, और जब तक हम अपने को खुद को उनके सामने रख नहीं रहे तब तक वो हमको जांच परख नहीं सकते, और जब तक वो हमको जांच परख नहीं सकते तब तक हम में छोटी छोटी जो कमियां रह गई है वो हमको बता नहीं सकते। तो इसलिए मतलब है जब तक हम वैष्णव के पास में नहीं रहते, कोई भी आप चुनिए, आपको कौन अच्छे लगते हैं, ये प्रभु जी अच्छे लगते हैं आपको, ये प्रभु जी, कोई भी, लेकिन एक अच्छे वैष्णव को चुनिए और उनके करीब जाइए, और उनके जब करीब जाएंगे तो अपने को उनके सामने प्रस्तुत कीजिए और बोलिए प्रभु जी मैं इतने दिनों से आपके पास हूँ, आपके करीब हूँ, थोड़ा बताएंगे मेरे में क्या क्या कमियाँ हैं? और क्योंकि आप उनके करीब हैं, आपको करीब से देखा है उन्होंने, तो आपको बताएंगे प्रभु जी आप ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, आप अच्छा जप करते हैं, हमेशा सैटरडे प्रोग्राम में रहते हैं, हमेशा बाहर प्रसाद सेवा भी करते हैं, लेकिन मैंने देखा है आप में ये छोटी सी कमी है। अच्छा प्रभु जी ये मुझे नज़र नहीं आई, मेरे गाल पे जो दाग है ना मुझे कभी नज़र नहीं आता है, मेरे नाक के यहाँ पे जो तिल है वो मुझे कभी भी नज़र नहीं आएगा, वो दूसरों को ही नज़र आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए अगर हम में कमियाँ ढूंढनी है हमको कभी नहीं दिखेंगे, लेकिन वो ढूंढने के लिए किसी वैष्णव के पास में जाना पड़ेगा और उनको वो हक देना पड़ेगा, प्रभु जी ज़रूर आप बताइए मेरे में क्या क्या कमियाँ हैं, और आप जब मुझे बताएंगे मेरे में क्या कमियाँ हैं मैं बुरा नहीं मानूंगा उसका, ये तो मेरा सौभाग्य है कि कोई डॉक्टर मिल गया मुझे, नहीं तो मैं इस बीमारी को लेकर 40 साल जीने वाला था। ठीक है, नहीं अभी हम कीर्तन करेंगे अगले बार हम, ठीक है।